दोस्तों आपका एक बार फिर पीएससी अड्डा चैनल पर और मैं दीपाल राठौर आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रेलवे के कुछ क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट हम लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन वो जो रेलवे में पूछे जा सकते हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो रेलवे जो पिछले साल या पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे हमने नया पैटर्न जो है वो निकाल के लाए हैं, उससे नए जो क्वेश्चन बने हैं वो निकाल के लाए हैं। वो क्वेश्चन हैं जो आप आने वाले एग्ज़ाम में देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक नाव धारा के बहाव की दिशा की ओर, बहाव की ओर क्या कहा उसने कि एक नाव धारा के बहाव की ओर 12 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में चलती है, लौटने में इसको 4 घंटे लगते हैं, शांत जल में 8 किलोमीटर क्या कहा उसने कि शांत जल में 8 किलोमीटर चलने में इसे कितना समय लगेगा। देखिए उसने कहा है कि धारा की दिशा में, जैसे ये नदी बहती है, इधर नदी बह रही है, ठीक है, यह नदी बह रही है, अगर इधर नाव बहेगी या नाव जाएगी धारा की दिशा में, यानी नदी भी इधर ही बह रही है और ये भी इधर ही जाएगी, तो क्या होगा, एक तो इसकी चाल होगी और एक और नदी की चाल होगी, वो भी उसके साथ में ऐड हो जाएगी, यानी दोनों की गति क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नदी भी इधर बह रही है और नाव भी किस साइड जा रही है, इसी साइड जा रही है। अगर ये क्या है, क्या कहा उसने कि लौटने में उसे कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, यानी कि क्या हो गया, वो विपरीत आएगी, इधर आएगी वापस, और वापस आएगी तो क्या होगा, सामने से अगर पानी आ रहा है और इधर से अगर हम जा रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारी गति को रोकेगा। तो ये नाव जो जा रही है ये धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये क्या होगा, पानी जो है उस नाव को क्या करेगी, रोकेगी, उसकी गति को कम करेगी। तो इधर से क्या होगा, स्पीड क्या होगी, कम होगी, कितनी कम होगी, ये नाव ये क्या है, नदी की चाल यानी धारा की जो चाल होगी उस पर डिपेंड करेगी, और इधर क्या होगी, धारा की चाल इसमें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की तो एक चाल है लेकिन पानी भी बह रहा है तो उसकी भी अपनी चाल, दोनों ऐड हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी। तो कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसने कहा है क्या, सबसे पहले कहा है कि धारा के बहाव की ओर 12 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय कर रही, यानी कि धारा की जो दिशा है, धारा की दिशा में एक घंटे में 12 किलोमीटर जा रही, यानी उसकी स्पीड कितनी हो गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की दिशा में गई है, धारा की दिशा में कितनी गई है, एक घंटे में 12 किलोमीटर, यानी कि धारा की दिशा में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में कितनी चल रही है वो, 12 किलोमीटर। अब फिर उसने कहा है कि लौटने में इसको 4 घंटे लगते हैं, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में वो कितने है? 12 किलोमीटर की दूरी अगर कितने घंटे में 4 घंटे में पार करती है या 4 घंटे में वापस आती है, तो 12 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे दूरी बटे क्या होगा ये समय, तो क्या आ जाएगी चाल, चाल कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी धारा की जो विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया क्या है, धारा की दिशा में कितनी जा रही थी, 12 किलोमीटर एक घंटे में, और 12 ही किलोमीटर वापस आ रही है कितने घंटे में, 4 घंटे में, तो स्पीड निकाल ली कितनी आ गई है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से आपको क्या करना, उसने क्या पूछा है कि शांत जल में 8 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। देखिए अगर कोई शांत जल है और उसमें अगर नाव चलाते हैं तो क्या होगा, नाव केवल अपनी खुद की गति चलेगी, न कि उस पानी का बहाव उसमें ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो खुद की चाल तो दी नहीं नाव की, यहाँ पे क्या दिया है कि धारा की दिशा, इसमें धारा की दिशा में जा रही है, यानी कि नाव जो है उस धारा की, नाव इस चाल में किसकी गति जुड़ी हुई है, धारा की भी, और इसमें क्या हुआ है, धारा गति क्या हुआ, माइनस की हुई है। क्यों? क्योंकि वो रोकती है उसको, तो उसकी कम गति से आएगी उधर से। तो हम क्या करेंगे, जब हमें शांत जल में अगर नाव की चाल ज्ञात करना है, क्या करना है, शांत जल में अगर नाव की चाल ज्ञात करना है, तो शांत जल में नाव की ज्ञात आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा, इन दोनों चालों को, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में इन दोनों चालों को प्लस कर दीजिए, 12 और 3 को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया क्या किया, यानी कि धारा की दिशा में कितनी स्पीड से जा रही थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी वास्तविक चाल नहीं है, नाव की चाल नहीं है, इसमें क्या है, धारा की जो गति है वो भी एड है, और यहाँ पे क्या है, धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि जो गति है वो माइनस की हुई, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी उसकी शांत जल में चाल कितनी आ जाएगी, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें जाना कितना है, जाना उसने कहा है कि 8 किलोमीटर जाना है, 8 किलोमीटर हमें जाना है, और किस स्पीड से जाना है, शांत जल में कहा है, यानी शांत जल में इसकी स्पीड कितनी आ गई नाव की, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें डिवाइड कर देंगे, दूरी बटे क्या आ जाएगी, चाल, 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए कट नहीं रहा है, 16/क्या हो जाएगा, 15,
लेकिन हम मिनट में भी ला सकते हैं, तो इसमें 60 का गुणा कर दीजिए। अगर हम 60 का गुणा कर दें क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 8 दूनी 16, 16 चौक 64, यानी कि कितना मिनट लगेंगे उसको, 64 मिनट। 64 मिनट यानी कि 1 घंटा 4 मिनट, 1 घंटा 4 मिनट लगेंगे। समझ में आया क्या है? एक बार वो बताता हूँ मैंने क्या किया है। देखिए, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जा रही थी एक घंटे में, स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में 3 की स्पीड आई, कैसे? क्योंकि उतनी ही दूरी कितनी, 4 घंटे में आ रही थी। तो 12 किलोमीटर की दूरी अगर 4 घंटे में वो वापस आ रही, यानी उसकी चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैंने बताया है क्यों है, क्योंकि धारा के विपरीत क्या होगा, नदी का पानी क्या उसे रोकेगा, धारा रोकेगी उसको, नाव को, तो उधर से कम स्पीड में आएगी। और अगर शांत जल में हमें अगर उसकी चाल निकालनी है, यानी क्या हो जाएगा, इन दोनों को चालों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये शांत जल में चाल आ गई थी, हमें शांत जल में ही जाना था क्या, 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर यहाँ से निकालेंगे यानी 64 मिनट, यानी कि 1 घंटा 4 मिनट। तो ये था पहला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को 20% अंक मिले और वह 10 अंकों से फेल हो गया, फिर उस दूसरे विद्यार्थी को 42% अंक मिले और उसे पास होने से 1 अंक अधिक मिला। ठीक है, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एक एग्जाम की बात हुई है, एक परीक्षा की बात हुई है, कि क्या कहा है कि किसी परीक्षार्थी को यानी एक विद्यार्थी को कितने 20% अंक मिले, 20% अंक मिले और वह 10 अंकों से फेल हो गया। 10 अंक और अगर वो आते लाता या उसको मिलते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। फिर क्या कहा है उसने कि दूसरे विद्यार्थी को 42% अंक मिले और उसे पास होने से केवल 1 अंक अधिक मिला, केवल 1 अंक अधिक मिला क्या, 42% प्राप्त करके भी। फिर क्या हुआ, क्या कहा आगे उसने पूछा क्या आंसर, कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। देखिए आप समझिए इस बात को कि क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे कि ये एग्जाम हुई, हम चित्र द्वारा समझते हैं कि ये एग्जाम हुई है और यहाँ से दोनों विद्यार्थी यहीं से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत 0 से होती और यहाँ पे बीच में है ये पास होने का, कि पास होंगे यहाँ पे आके। ठीक है, लेकिन पहला विद्यार्थी यहाँ से चला और वो यहाँ पे रुक गया, और कितने अंक से, अगर 10 अंक और आता, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 10 अंक का, यानी कि अगर 10 अंक और लाता तो क्या आ जाता, यहाँ पे पहुँच जाता, यानी पास होने के, पास हो जाता वो 10 अंक और लाता, तो 20% तो उसने प्राप्त किए, लेकिन क्या हो गया, 10 अंक से क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या, अगर 10 अंक और लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसमें 20% में अगर 10 अंक और प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। लेकिन फिर दूसरे विद्यार्थी की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, देखिए कि दूसरे विद्यार्थी को 42% अंक मिले, यानी कि वो यहीं से शुरुआत की उसने और क्या हुआ कि 42% अंक मिले, यहाँ पे पहुँच गया वो, 42% अंक मिले, लेकिन उसने पास होने से केवल 1 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी कि यहाँ से पास होने से कितना अधिक गया, ये जितना भी अधिक गया लेकिन कितना गया, केवल 1 अंक अधिक गया। यानी कि अगर इसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 1 नंबर इसका कम आता तो क्या होता है, केवल पास होता। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों को पास होने की कंडीशन रख देते हैं, पहले विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 10 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर 10 अंक और लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, ऐसे दूसरे विद्यार्थी की हम बात करें कि उसको 42% अंक मिले, लेकिन उसको अगर 1 अंक कम मिलता तो वो भी क्या होता, केवल पास होता, ना तो ज़्यादा आता ना ही कम आते। ठीक है, तो ये ग्राफ, अब दोनों के पास होने की कंडीशन है, दोनों को नंबर तो बराबर ही मिले होंगे, पास होने की कंडीशन में दोनों को नंबर बराबर ही चाहिए, क्यों, क्योंकि एक ही एग्जाम की बात हो रही है। तो ये एग्जाम थी, हमने क्या किया कि पहले विद्यार्थी जो फर्स्ट विद्यार्थी था उसका देखा हमने कि क्या कहा उसने कि 20% अंक प्राप्त किया, लेकिन पास होने से पहले ही वो क्या हो गया, रुक गया, और क्या हो गया, 10 अंकों लाता क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन फिर उसने कहा है कि दूसरा विद्यार्थी जो सेकेंड विद्यार्थी था उसने क्या किया है कि 42% अंक प्राप्त किए, वो यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन जो पास होने से वहाँ तक की कितनी दूरी है, केवल 1 नंबर अधिक लाया, यानी कि यहाँ पे अगर इसको 1 नंबर कम मिलता तो क्या होता, वो केवल पास होता। तो हमने क्या किया, इसको भी पास कर दिया और इसको भी पास कर दिया, दोनों कंडीशन बराबर। बराबर क्यों रख दी, क्योंकि दोनों के नंबर बराबर ही होंगे पास होने पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ कर दीजिए और नंबर नंबर एक तरफ कर देते हैं, ये प्रतिशत उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 42 में से अगर ये 20 माइनस होंगे कितना बचेगा, 22%, ये माइनस का एक, देखिए ये इधर भेजा है ना, अगर तो ये माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 और एक कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2% बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 2% बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब आप यूँ बताइए उसने पूछा क्या, सबसे पहले ये देखते हैं, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, हमें अधिकतम अंक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए,
पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? देखिए, अगर हम 20% अंक प्राप्त करते हैं तो हमें 10 अंक और अधिक चाहिए, तब हम पास हो सकते हैं। या 42% अंक प्राप्त करते हैं और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि हम पास हो गए, ठीक है। तो वो निकालना हमें, तो आप यहाँ से या तो 20% निकाल लीजिए या 42% निकाल लीजिए। देखिए, यहाँ से 20% अगर हम निकालते हैं तो 2% = 1, 2% = क्या है, 1, यानी कि 2 का आधा 1 है, 2 का आधा 1 है, यानी कि 20% = कितना हो जाएगा, 10। 20% = कितना हो जाएगा, 10, क्यों, क्योंकि 2% = 1 है, यानी 2 का आधा कितना होता है, 1, प्रतिशत में 2 है लेकिन नंबर में कितना है, 1, तो ठीक है। तो 20% = कितना हो जाएगा, 10। अगर ये से भी समझ में नहीं आया तो दोनों तरफ 10 का गुणा कर दीजिए, 20% हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया है, 10 नंबर आ गए, ठीक है। अब 20% हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन हम पास हो गए क्या, नहीं हुए, क्योंकि उसने कहा है कि पहले विद्यार्थी ने भी 20% अंक प्राप्त किए थे और 10 अंक से फेल हो गया था, तो इसमें 10 अंक और जोड़ने होंगे, तो प्लस 10 अंक और कर देंगे, यानी कि अधिकतम पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 20 नंबर चाहिए। क्या आया हमारा आंसर, कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए। ये था क्वेश्चन दूसरा, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा है कि यदि √15 = 3.88 है तो √5/3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है उसने, कि √15 इसकी वैल्यू दी है, इसका मान दिया है कि 3.88 है, तो √5/3 का मान ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन दिया है। देखिए, इसका मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास मान किसका दिया है, √15 का, न कि इसका मान दिया है, ना तो √5 का दिया है, ना √3 का दिया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखिए √5/3 है, हम ऐसा क्या करें कि या तो ऊपर √15 बन जाए या नीचे। देखिए, अगर हम नीचे √15 बनाएंगे यहाँ पे, ताकि हम इसका मान रख सकें, अगर यहाँ पे √15 बनाएंगे तो मान क्या आएगा, 3.88, और उसमें फिर किस में, इसमें भाग देना पड़ेगा ऊपर वाले में, तो भाग देने में दिक्कत होगी क्योंकि संख्या पॉइंट में है और एक बड़ी संख्या है, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम √15 बनाते हैं। देखिए, √15 कैसे बनाएंगे, इसको 5 में किसका गुणा करें कि √15 बन जाए, 3 का, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया, ये क्या हो गया, 5 या 15, लेकिन अगर ऊपर गुणा किया है तो नीचे भी करना होगा। ये मेस का रूल कहता है क्या, कि अगर बराबर हो, दो चीज़ें बराबर हो, जैसे कि x और y दोनों बराबर है, जो इसके साथ कर रहे हैं, अगर इसमें 10 का गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, ये मेस का रूल है। ऐसे ही है कि अगर x/y है, अगर जो ऊपर वाले के साथ में कर रहे हैं वही नीचे वाले के साथ में भी करना होगा, अगर ऊपर 10 का गुणा किया तो नीचे भी आपको 10 का गुणा करना ही पड़ेगा, ये आप किसी एक के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया है क्या है, कि ऊपर भी 3 का गुणा किया है, नीचे भी 3 का गुणा किया। अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया है, 5 या 15, √15 हो चुका है, √15 का मान कितना है, 3.88, कितना है, 3.88, और नीचे 3, 2 बार 3 है, 3×3, ये √ से बाहर आके क्या हो जाएगा, केवल 3, क्या आ जाएगा, केवल 3। अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 3×3.3, 2×6 कितना बचा, यहाँ से 2 28 हुए, 3×9=27, तो मान कितना आया है, 1.29, यही आंसर है, क्या है, यही आंसर है। कितनी इजी तरीके से कर दिया है, √15 की वैल्यू दी थी और हमें मान किसका निकालना था, √5/3 का, ठीक है। या तो आप ऊपर √15 बना लीजिए, या फिर नीचे √15 बना लीजिए, ताकि हम इसका मान रख सके। लेकिन हमने ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि संख्या पॉइंट में है, हम डिवाइड आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने ऊपर ही √15 बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3.88 ऊपर रख दिया, नीचे से 3 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, मान कितना आ चुका है, 1.29। देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ₹600 का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज
180 रुपये है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप मैथ्स ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा, तो मैथ्स या टेंथ में पढ़ी होगी अच्छे से, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा था कि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 180 रुपये। तो ये देखिए आपको एक बात तो हमेशा याद ही होगी, या कभी याद नहीं हो तो आप सुन लीजिए कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या हो बराबर होता है। मूलधन अगर बराबर है, दर भी अगर समान रहती है, तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना है 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कितना हो गया 6 वर्ष का साधारण ब्याज, और 6 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कितना हो गया 180 रुपये। तो हम साधारण ब्याज का सूत्र लगा देते हैं कि 180 रुपये क्या है साधारण ब्याज, और मूलधन दिया हुआ है कितना है 600 रुपये, 600 रुपये मूलधन है, और समय कितना हो जाएगा 6 वर्ष, और हमें क्या है दर ज्ञात करनी है, बटे में क्या आ जाएगा 100। देखिए 6 क्यों हुआ है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है, इसलिए हम डायरेक्ट प्लस करके ले सकते हैं, 4 और 2 कितने हो गए 6 वर्ष, 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 36 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 5, यानी कि कितना हो चुका है दर कितनी आ गई है 5%, कितनी आ गई है 5%, दर कितनी आ गई 36 पंजे कितना होता है 180। कैसे किया, साधारण ब्याज उसने दो अलग अलग वर्षों का दिया था, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4 वर्ष का साधारण ब्याज, तो हमने क्या कर दिया इन दोनों को प्लस कर दिया, 4 और 2 कितने हो गए 6 वर्ष, और 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 180 6 वर्ष का। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं। देखिए 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 180, और मैंने कहा है कि 6 वर्ष का सभी वर्षों का साधारण ब्याज समान होता है एक प्रत्येक वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितने 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 30 रुपये। ठीक है, कितने हो गए 30 रुपये, तो आप देख लीजिए 30 रुपये साधारण ब्याज हुआ है 600 रुपये का, कितने समय में 1 वर्ष में, क्योंकि अब समय कितना है 1 वर्ष और दर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 6 पंजों कितना आ गया 30, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई है 5%। आंसर वही आएगा, आप केवल उसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/3 किसी संख्या का, ये लिखिए 1/4 भाग व उसी संख्या के, उसी संख्या के 1/3 भाग से 12 कम है तो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी संख्या का 1/4 भाग और उसी संख्या का 1/3 भाग से कितना कम है 12 कम है, तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप x मान के करते हैं, y मान के करते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, 1/4 भाग और सॉरी 1/3 भाग, ये बड़ा भाग है, क्यों, क्योंकि 1 के केवल 3 टुकड़े किए, यहाँ पे 1/4 यानी 1 के कितने टुकड़े किए 4, तो ठीक है 1/3 माइनस 1/4, इन दोनों के बीच का अंतर दिया है 12 कम है, यानी कि दोनों के बीच का क्या है अंतर, तो अंतर लिया यानी अंतर किसे कहते हैं माइनस को, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 12, तो बराबर क्या रख दीजिए 12। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, यहाँ 4 का गुणा इधर हो जाएगा और 3 का गुणा हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, ये 12 का गुणा उधर हो जाएगा यानी 1 बराबर कितना हो चुका है 144, यानी कि वो संख्या कौन सी कितनी है 144, ये डायरेक्ट आंसर है। अगर आप x मान के करते तो क्या करते, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x आ जाता, यहाँ पे भी x आ जाता और यहाँ पे भी x आ जाता, x की वैल्यू क्या आ जाती 144। x मान के ना करते हुए हमने कैसे किया, डायरेक्ट
हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या? एक मान लीजिए वो संख्या कौन सी, एक, उसका एक बटा तीन और उसके एक बटा चार का अंतर कितना है 12 और एक बराबर कितना आ गया 144, यानी कि वो संख्या कौन सी हो गई 144। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, यहाँ पे हर चीज़ पढ़ाई जा रही है आपको, जीके से लेकर मैथ्स रीजनिंग सब पढ़ाया जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे कुछ भी हो, जैसे लंबाई हो, चौड़ाई हो, या वो कहे कि एक बार वृद्धि या एक बार कमी की बात करे, ये कुछ अपवाद भी हैं इसके, मैं बता रहा हूँ जो ट्रिक, तो इसकी एक ट्रिक है मैं बताऊंगा, लेकिन उसके कुछ अफवाद है कहाँ पे ट्रिक नहीं लगती है, कहाँ कहाँ पे नहीं लगती है। जैसे व्रत में नहीं लगेगी, गोले में नहीं लगती है, बेलन, शंकु, आयतन, एडवांस टॉपिक में नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन अधिकतर जगह इसी ट्रिक से हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कैसे है कि यदि किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम क्या कर रहे हैं कि वृद्धि करते हैं तो उसको हमेशा प्लस में लिखते हैं, यानी वृद्धि कितनी हो गई 20% की वृद्धि, यानी प्लस का है, ठीक है। और चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यानी 20% की क्या हो गई कमी, तो ये माइनस में कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगाइए, क्यों, क्योंकि हमें पीछे जो भी चिन्ह आएगा वो यहाँ पे डिस्कस करना है, या तो प्लस आए तो प्लस, या माइनस आए तो माइनस लगाना है, या आप केवल प्लस लगा दीजिए, अगर वो माइनस आएगा तो इस प्लस को वैसे भी माइनस कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, ये प्लस का ही था और ये 20 माइनस का था, तो इनटू में कर दीजिए माइनस के 20 और बटे में क्या आ जाएगा 100। याद रख लीजिए वृद्धि हो रही है तो क्या है, वृद्धि प्लस की, और कमी होती है तो क्या है, कमी माइनस में लिखते हैं, तो 20 प्लस का माइनस कमी हो रही है, अगर यहाँ पे 20 की और वृद्धि होती तो हम प्लस कर देते, लेकिन ये तो कमी हो रही है तो इसको भी माइनस, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए 20 इंटू माइनस 20, ये 20 प्लस का था इसलिए प्लस का, और ये माइनस का था इसलिए माइनस का, ठीक है। यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो गई है, ये 20 से 20 भी कैंसिल हो गया है, यहाँ पे कितना आ गया है 2 × 4, लेकिन ये 4 है का ही का माइनस का, क्यों, क्योंकि ये माइनस की संख्या है, तो ये 4 क्या है माइनस का आया, यानी कि उसके क्षेत्रफल में क्या होगी कमी, क्यों, क्योंकि हम माइनस को कायम लिख चौड़ाई जो कमी हो रही थी उसे कायम लिखते हैं माइनस में, और यहाँ पे आंसर भी क्या आया है माइनस में, यानी कि 4% की क्या हो रही है कमी, 4% की क्या हो रही है कमी, कायम में क्षेत्रफल में पूछा था तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4% की क्या हो रही है कमी। इस क्वेश्चन को एक तो ये तरीका है, या फिर आप बेसिक से कर सकते हैं कुछ भी मान के, लंबाई या चौड़ाई मान के, जैसे लंबाई मान लीजिए 10 है, लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है वो भी 10 मान लेते हैं, यानी कि उसका कितना क्षेत्रफल कितना हो गया 100, ठीक है। अब इसमें क्या है 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 10 का 20% कितना होता है 2, यानी कि अब लंबाई कितनी हो जाएगी 12, ठीक है, और 10 में 20% की कमी भी कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 8, 12 कितना होता है 96, अब कितना, पहले क्षेत्रफल कितना था 100, अब कितना हो गया 96, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई 4% की क्या हुई है कमी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये बेसिक है, कुछ भी मान लीजिए, और अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रिक भी बता दिए, दोनों चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि हमें पता लगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप रेलवे की एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल
के साथ बने रहिए, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।